औरत के अंदर ज्यादा इमोशंस होते हैं, तो रिसर्च सेज के खातून एक बहुत अच्छी लीडर बन सकती है। इनफैक्ट माशरे में चीज चलती है, वो औरत का पुराना नाम गुना था। वो गुना नाम क्यों था? बिकॉज एडम की वाइफ ने एक फल तोड़ा, उनके कहने पे उन्होंने गुनाह किया। तो उस किताब में लिखा है क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में औरत को गुनाह की तरह ट्रीट किया जाता था। बाप अपनी बेटियों को बेचा करते थे, औरत को डिसीजन लेने की ताकत नहीं थी, बुरी तरह का स्ट्रगल फेस कराया जाता था। वेन द प्रॉफिट केम्स, उन्होंने बताया कि जब नबी आए, उन्होंने औरत की अहमियत को अंदाज़ा बताया कि औरत की क्या अहमियत है। आई थिंक अनदर कॉन्सेप्ट आई केम अक्रॉस, साइमन सिनेक कहते हैं लीडरशिप इज मोर लाइक पेरेंटिंग। मैंने टू बी अ लीडर यू नीड टू मोर लाइक अ पेरेंट। अगर आजकल के लीडरशिप में लीडर बनना चाहते हैं जितनी भी वुमेन खासतौर पर जहाँ खवातीन बैठी हैं, तो वो बेहतरीन लीडर बन सकती हैं। क्यों? बिकॉज एक माँ एक बेहतरीन पेरेंट होती है। एक पेरेंट बनने के लिए इमोशंस चाहिए होते हैं, सही, और एक लीडर बनने के लिए भी इमोशंस चाहिए होते हैं। ये बात मैं यहाँ वोटिंग करवा के बाद भी साबित की जा सकती है। रिसर्च भी कहती है कि औरत के अंदर ज़्यादा इमोशंस होते हैं, तो रिसर्च सेज के खातून एक बहुत अच्छी लीडर बन सकती है। इनफैक्ट मर्द से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लीडर बन सकती है। कैसे? बिकॉज औरत के अंदर इमोशन ज़्यादा हैं, एंड इमोशन जो बहुत ज़रूरी लीडर बनने के लिए, बिकॉज लीडरशिप इज़ मोर लाइक पेरेंटिंग। सो आई वुड सम अप ऑन दिस वे कि आप ज़रूर आएँ स्टार्टअप्स में एंड एक्ट लाइक अ लीडर एंड यू वे सुपीरियर देन मैन। हाउ? अगर आपसे कोई पूछे आप मेन से कैसे सुपीरियर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर इमोशन ज़्यादा हैं। और एक लीडर बनने के लिए, एक इदारे को चलाने के लिए, एक टीम को चलाने के लिए इमोशन दरकार ज़रूरी है। सो थैंक यू, लेट्स ओपन द फ्लोर आई से। सबसे इम्पॉर्टेंट जरूरी है लिसनिंग। मैंने अभी आधा घंटे, मैंने पूरा टाइम नोट किया, आधा घंटे मैंने दोनों खवातीन को सुना और इट्स ब्रिलियंट आई वुड से। मतलब आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबके अंदर टेम्परमेंट हो। अनदर थिंग इज दैट इनका भी एक 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, इनका भी एक्सपीरियंस है, उससे पहले जो लगा है वो भी बहुत एक्सपीरियंस है। सुकरात बहुत अच्छी बात कहता है। सुकरात कहता है अगर तुमसे किताबें नहीं पढ़ी जाती ना, मसला नहीं है, दुनिया में जो तुमसे पहले लोग आए ना उनसे सीखो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखो। अपार्ट फ्रॉम कंफर्ट जोन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें। मैं जल्दी से क्विक रेफरेंस दूंगा। टेडएक्स पे एक बंदा आया, उसकी उम्र 24 साल थी, बड़ी मज़ेदार की टेड टॉक है। वो कहता है कि दुनिया में ना 8 अरब लोग हैं और 8 अरब इंसानों से ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती हुई है। तो मैं एज अ टीचर, मैं दुनिया भर में लोगों में ट्रैवल करता हूँ, दुनिया में लोगों से एक सवाल करता हूँ, सर ज़िंदगी ने आपको क्या सिखाया, ज़िंदगी ने आपको क्या सिखाया और ज़िंदगी ने आपको क्या सिखाया। हर कोई मुझे अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सिखाता है और वही बातें मैं आगे शेयर करता हूँ। वो कहता है अगर दुनिया में हर इंसान, हर दोस्त, हर एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट्स आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें शेयर करें, मैं रीजन प्लाजा, इनकी अपनी जर्नी सिंगापुर, यार फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स आई डोंट फाइंड पीपल, बहुत कम लोग होते हैं जो कि खुलकर यूथ से बात करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। इट्स जस्ट नॉट वी डोंट नीड टू अप्रिशिएट इट। आई थिंक आई नीड टू टेक प्रॉपर नोट्स व्हाट दे आर सेइंग। ये जो किताबें रेफरेंस कर रहे हैं, आपको जो बातें कर रहे हैं, इनको नोट्स लेने की ज़रूरत है। बिकॉज दुनिया में जो लोगों के एक्सपीरियंसेस सीखता है ना, वो इंसान नाकाम नहीं होता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव अ मेंटोर, यू शुड हैव अ कोच एंड यू शुड फ्रॉम लर्न मल्टीपल मेंटोर्स। आप खाली मुझसे सवाल का जवाब ना लें, मैं चाहूँगा ये दोनों भी कुछ शॉर्ट अपने एंड से बताएं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि ये अपना एक पहलू बताएं। सो मैम प्लीज़ ओवर।